हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीता टिप्स। आज का वीडियो मैंने अपनी एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर बनाया है। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि कैसे मात्र 10 रुपये में एक ही बार में बाल काले कर सकते हैं। ये प्योर हर्बल पैक है। इस वीडियो में मैं पैक बनाने और उसे लगाने का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी। लास्ट में बाल धोने के बाद मेहंदी का रिजल्ट भी दिखाऊंगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। बालों का सफ़ेद होना आजकल आम बात है। अलग अलग तरह के शैम्पू, अव्यवस्थित खान पान और भाग दौड़ भरी जीवन शैली, इन सभी कारणों से बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं और एक एज होने के बाद तो बाल सफ़ेद होते ही हैं। किंतु सफ़ेद बाल किसी को भी अच्छे नहीं लगते। आमतौर पर बालों को काला करने के लिए हम जो हिना हेयर पैक बनाते हैं उसे लगाने से पहले कम से कम 5-6 घंटे भिगोना पड़ता है और बालों में लगाने के बाद भी 3-4 घंटे रखना पड़ता है। फिर भी एक ही बार में बाल काले नहीं होते और जाड़ों में तो इतनी देर तक सर गीला होने की वजह से सर्दी जुकाम होने का डर भी बना रहता है। तो आज जो हेयर पैक मैं बताऊँगी उसे सिर्फ आधा घंटा ही सर में लगाने से बाल एक ही बार में एकदम नेचुरल काले हो जाएंगे। ये प्योर हर्बल हेयर पैक है। इसमें हिना, आंवला, मेथी, शिकाकाई, नीम, भृंगराज, कत्था, चायपत्ती, कलौंजी और नील पत्ता, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं जो बालों को काला बनाती हैं। आपको इसमें पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिलाना है। तो ये मैंने पतंजलि की हर्बल ब्लैक मेहंदी ली है। ये 20 ग्राम का पैक मात्र 20 रुपये में मिलता है, जो कि जेंट्स के बालों में 2 बार लगाने के लिए काफ़ी होता है। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये मेहंदी मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, तो इसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। मैं 2 लोगों के लिए हेयर पैक बना रही हूँ, तो इसे पूरा यूज़ करूँगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। वैसे तो ये प्योर हर्बल है, फिर भी अगर आप इसे पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो एक सेंसिटिविटी टेस्ट ज़रूर कर लीजिए। कान के पिछले हिस्से को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद थोड़ा सा पैक बनाकर लगा लें और 24 घंटे के बाद इसे धो लें। अगर सब ठीक रहता है तो फिर इसे बालों में लगाएं। इसे लेडीज़ और जेंट्स सभी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसका स्मूथ पेस्ट बना लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखेंगे जिसे बालों में आसानी से लगा सकें। ज़्यादा पतला रखने से ये बार बार बहेगी और ज़्यादा गाढ़ा रखने से इसे बालों में लगाने में प्रॉब्लम होगी। तो अब मैं इसे अपने हस्बैंड के बालों में लगाऊंगी। मेहंदी लगाने से पहले मैंने ये पिक ली थी जिसे आपको बाद में डिफरेंस दिखा सकूँ। ये देखिए, एकदम खिचड़ी बाल हैं। अब मैं ये पैक लगाऊंगी। सबसे पहले ही पेपर नैपकिन लगा देती हूँ जिसे मेहंदी कपड़ों पर ना लगे। अब इसे बालों पर लगाती हूँ। मेहंदी लगाने के लिए हाथों का यूज़ ना करें वरना हाथ बिल्कुल काले हो जाएंगे। बीच बीच में कंघी करते जाएंगे जिससे मेहंदी अंदर तक सारे बालों में अच्छी तरह से लग जाए। लास्ट में फिर से सारे बालों में कंघी कर देंगे जिससे कोई भी बाल सफ़ेद ना रह जाए। अब इसे आधे घंटे के बाद शैम्पू और पानी से अच्छे से धो लेंगे।
ये देखिए, बाल मेहंदी धोने के बाद एकदम नेचुरल काले दिख रहे हैं, कहीं भी कोई भी सफ़ेद बाल नहीं दिख रहा है। ये देखिए, पहले और बाद का डिफरेंस साफ दिखाई दे रहा है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।